दादू आप मुझे बताओ ना, आप उस ग्राउंड में मुझे क्यों नहीं खेलने जाने देते? हाँ बेटा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। क्या वादा दादू? कि इसके बाद तुम और कभी उस ग्राउंड में नहीं जाओगी। ठीक है दादू, प्रॉमिस। अब आप मुझे बताओ ना। हाँ हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। वो ग्राउंड शापित है, वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें भूत प्रेत छीड़ फाड़ के खा जाएंगे। हाँ सच्ची में दादू, वहाँ पर भूत प्रेत है और तुम वहाँ पर कभी नहीं जाओगी। हाँ वरना तुम्हें भूत प्रेत छीड़ फाड़ के खा लेंगे। हाँ हाँ दादू, मैं और कभी नहीं जाऊंगी उस ग्राउंड में। डरो मत बेटा, तुम्हारा दादू तुम्हारा साथ है ना। अरे दादू, तो मुझे उस ग्राउंड में जाने को मना किए थे। हवा इतनी तेज चल रही थी और मेरा ड्रेस उसी ग्राउंड में गिर गया उड़ के। मुझे आप ब्रेकफास्ट दे दो। हाँ बेटा, दे रही हूँ। न्याम 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 न्याम। अरे वहाँ पर कुछ था ना बाल जैसा? लगता है मेरा वहम होगा, मैं जाकर हाथ धो लेती हूँ। बहुत नींद आ रहा है, सो जाती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये क्या काला पर्चे कौन है? कालिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटा आज तुझे चर्च जाना है, जल्दी से तैयार हो जा। माँ आपने बताया नहीं था आज चर्च में जाना है? ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया जो चर्च में जाना पड़ेगा? बेटा तुझे बताया तो था, लेकिन लगता है तू भूल गई। ठीक है कोई बात नहीं, तू जाके तैयार हो जा। हाँ हाँ ठीक है, तैयार हो जाती हूँ। मैं तैयार हो गई। हाँ बेटा चलो चलते हैं, तू गाड़ी निकाल। बेटा उतर जा, आ गए हम लोग चर्च। नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं जाऊंगी मैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? तू तो कभी ऐसा नहीं करती। रुक जा शैतान। नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगी। फादर वो कौन था और वो मेरी बेटी को कहाँ लेके गया? मेरी बेटी, फादर आप कुछ भी करके मेरी बेटी को लौटा दीजिए। ठीक है, मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फादर। फादर सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ आत्मा, आ जाओ। आ तुझे लाल तू, आए बला को डाल तू। क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ गया है? वो तेरा इलाका था, ये मेरा इलाका है। मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, प्रिंसेस। और अबे ओ गंजे, क्या बैठा बैठा मंत्र पढ़ रहा है? आज तेरी बहन का शादी का रात है ना? तेरी बहन को कुछ हो ना जाए, अगर तेरी बहन का भला चाहता है तो यहाँ से भाग जा। मैं जाता हूँ, मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। डैनी तुम्हें शैतान बहका रहा है, मत जाओ डैनी। फादर मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, आप कुछ करो। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। तू इस लड़की के शरीर से निकलेगी कि नहीं? नहीं निकलूंगी। अब तुझे हॉलीवुडर मारना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे हॉलीवुडर मत मारना। तो निकल तू इस लड़की के शरीर से। निकलती हूँ, मैं निकलती हूँ। माँ क्या हुआ माँ? और ये फादर इस घर में क्या कर रहे हैं? बेटा वहाँ पर भूत है, तू यहाँ पर आ जा। भूत? मैं आती हूँ माँ। तू कौन है? तू कहाँ से आई है?
बता मुझे। बताती हूँ मैं एक इंसान के पास काम करती थी। उस इंसान का नाम था कालिया। वो बहुत स्ट्रिक्ट था। एक दिन मैं कालिया का फेवरेट प्लेट लेकर जा रही थी और वो मुझसे टूट गया। कालिया ने मुझे मारकर उसी जमीन में दफना दिया। अब तुम ही बोलो, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया था? प्लीज मुझे जाने दो। मैं अगर पूर्णिमा की रात को कालिया को नहीं मारूंगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। ठीक है, बहुत बात हो गया, तू इस सब बोतल में आ। नहीं आऊंगी। आ वरना हॉली वाटर फेंक दूंगा तेरे ऊपर। अपनी बेटी को ये वाला लॉकेट पहना कर रखना एक दिन तक, उसके बाद ये आत्मा शांत हो जाएगी। ठीक है फादर, थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए। इट्स ओके, मैं ये गला का लॉकेट खोल दूंगी। और आज ही तो पूर्णिमा का रात है। खोल दिया मैंने। स्वामी जी प्लीज मेरा हेल्प कीजिए। स्वामी जी मैंने सपना देखा स्वामी जी कि एक भूत मुझे पूर्णिमा की रात को, मतलब आज, मार दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी, आप कुछ कीजिए। शांत, मुझे सब कुछ पता है। तुम उस मैदान में जाओ और उस लाश की हड्डियों को लेकर अपने घर के पीछे वाले जंगल पर जाके उस लाश की हड्डियों को जला दो। तब वो आत्मा को शांति मिल जाएगा और वो मुक्त हो जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी, मैं अभी जाता हूँ। अभी मुझे माफ कर दो कविया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने भी तेरा सामने ऐसे करके गिर गिराया था, लेकिन तूने मेरा बात सुना, अब तुम मर। काव्या को मुक्ति मिल गया।